I can't think nothing better. Good morning guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो शादी में से लेट नाइट आए थे और फिर मैं वहाँ पर ना लास्ट में जब निकाह के बाद मैंने ब्राइडल की फोटो वगैरह ली और थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, तो मुझे इतनी जोर से हेडेक हो रहा था ना, तो लास्ट हो जाए और फिर सर्दी इतनी बढ़ गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद तो फिर मेरा कुछ दिमाग ही नहीं चला कि मैं अपने साथ भी वीडियो बनाऊँ और मैंने भाई के साथ भी वीडियो नहीं बनाई। भाई के साथ तो मैं खैर बना ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ जेंट्स रहते हैं और ऐसे में वीडियो बनाती नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को पिछली, और जिसने नहीं देखी हो वो भी देखे, बहुत मज़े की वीडियो थी। सर्दी में मैं आप लोगों के लिए शादी में गई थी और रिसेप्शन में अभी मुझे सेकेंड डे जाना है। आई डोंट नो मैं जा पाती हूँ नहीं, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, और अभी बच्चे सो रहे हैं, सुबह के हो रहे हैं अभी 7, तो मुझे उठे हुए थोड़ा टाइम हो गया 10-15 मिनट, और मैं बस बैठी हूँ क्योंकि अभी सभी लोग सो रहे हैं और हमें निकलना था 7 बजे, लेकिन बाहर कोहरा इतना हो रहा है ना, इतनी धुंध हो रही है ना कि बस मैं अभी बच्चों को हवा में नहीं लेके जा सकती, तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा 8 बजे के करीब निकल जाएंगे, तो मुरैना वैसे भी दूर नहीं है ज़्यादा, यहाँ से निकल जाएंगे। अभी बाजी भी ना वॉक पे गई थी जब मैं सो रही थी, मतलब मैं उठ गई थी लेकिन बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो बस बाजी अभी वॉक पर गई है और वॉक पे से आ जाएंगी, तो फिर देखो क्या होता है। और ये मेरी बाजी का घर है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, छोटा है लेकिन बहुत प्यारा घर है, और ऊपर टेरेस पे जाने की सोच रही हूँ मैं, पर मैं बस अभी जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे ठंड में कहीं पर भी निकलना अच्छा नहीं लगता। और किचन में तो मैं सोच रही हूँ मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, काफी टाइम हो गया है मुझे, और मैं आपको बाहर का नजारा दिखाती हूँ। जब मैं उठी थी ना तब तो हो रही थी, तो और अभी भी मतलब जब हाईवे पे चलते हैं ना तो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम हाईवे पे नहीं चलते हैं मतलब गली वगैरह में तो इतनी नहीं होती है, पर हाईवे पे बहुत हो जाती है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाहर किचन की खिड़की से, तो यहाँ अभी दूर से देखने पे लग रहा था और अभी जब मैं उठी थी ना तब तो पास में ही लग रहा था, अब धीरे धीरे कोहरा जो है ना वो छट रहा है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ धूप की पहली किरण तो निकल आई है, लेकिन थोड़ा सा और निकल आए जैसे कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो ले जाने में, क्योंकि हम लोग बाइक से जाएंगे तो बहुत नुकसान है। और ये है बाजी की गली, घर के बाहर का जी। वाओ, यहाँ तो मेरा मोबाइल भी सेट हो गया आराम से, अब मैं क्या करूँ। बट मुझे बाजी के घर का कुछ नहीं है, शक्कर पत्ती तो मिल ही जाता है सबके घरों में, सामने ही रखा रहता है। हाईवे पर खड़े हैं अभी हम, थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए, यहाँ पे काफी सारा स्पेस है, ये रोड है मेन रोड और ये फैक्ट्री है कोई, निकलना था हमको 8 बजे, वैसे 7 फिर 8 हुए फिर 9 हो गए, 9 बजे निकले हैं हम अभी, बस कितने बज गए होंगे, 10 बज गए होंगे, 10 साढ़े 10 हो गए,
साढ़े दस तो लेट निकले अपन, 9 से ज्यादा है ना, 9:30 है, 10 बजे निकले हम, थोड़ा थोड़ा। तभी मैं कह रही बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही, धूप तेज हो गई। ओके, घर पे जाके कंटिन्यू करती हूँ अपना ब्लॉग। नानी क्या घर जा रहे हैं ना मुरैना अपन, और फिर कल यहाँ पर रोड बन रही है, क्या बन रहा है पता ही नहीं है। छोटा सा तुम मेरा एक काम कर दे, तेरा सोने तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं शादी में। अब आप सोच रहे होंगे ये फिर से किसकी शादी है, तो जी जिसकी अभी आपने 2 दिन पहले वीडियो देखी है शादी की, बारात की, तो ये उसी का रिसेप्शन है, मेरे भाई का रिसेप्शन है, मामू की लड़की का। पूरी डिटेल्स आप लोगों को फिर से बताना पड़ती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करें ना, रोज़ मैं एक आध दिन छूट जाता है मेरा वीडियो का, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और डेली अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ और भी सारे काम होते हैं उनके साथ साथ वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है कभी कभी। तो जी यहाँ हो रही है ब्राइडल की एंट्री। तो जी और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं शादी में नहीं गई थी, क्योंकि इस शादी में आपको मैं नहीं दिखूंगी। अगर मैं जाती ना तो शादी की इतनी अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आती ना, बट सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, मेरी हर वीडियो में आप लोगों को ये वर्ड सुनने को ज़रूर मिल रहा। अब जी है तो मेरे मुँह से निकल ही जाता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर यहाँ पर ब्राइडल माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, और इनका वाइन कलर की ड्रेस और उस पर वाइट कलर का जो है ना एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, और वाइट इन्होंने ज्वेलरी वेयर की थी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉम्बिनेशन बन रहा था। और भाई भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी मैं बोल रही थी कि मैं नहीं गई थी रिसेप्शन में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप वीडियो ज़रूर से बनाकर लेकर आएँ, लेकिन ये जितनी भी बनाकर लेकर आए वो भी खैर ठीक है, वही चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है और आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।